أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم سورہ ابراہیم ترجمہ تفسیر پہلا رکوع سورہ ابراہیم مکہ میں اتری اس میں 52 آیتیں 7 رکوع ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا سورہ ابراہیم مکی ہے سوائے آیت علم ترا اللذین بدلوا نعمت اللہ کفرن اور اس کے بعد والی آیت کے اس سورت میں 7 رکوع 52 آیتیں 861 کلمے اور 3434 اکشر ہیں الف لام را ایک کتاب ہے یہ قرآن شریف کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کی تم لوگوں کو کفر و گمراہی و جہالت و بہکاوے کی اندھیریوں سے ایمان کے اجالے میں لاؤ ظلمات کو بہو وچن اور نور کو ایک وچن سے بیان فرمانے میں مقصد یہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر اور گمراہی کے طریقے بہت ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ یعنی دین اسلام کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ سب کا خالق اور مالک ہے سب اس کے بندے اور مملوک تو اس کی عبادت سب پر لازم اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور لوگوں کو دین الہی قبول کرنے سے روکتے ہیں
और उसमें कजी चाहते हैं। वो दूर की गुमराही में है कि सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं, और हमने हर रसूल उसकी कौम ही की जबान में भेजा जिसमें वह रसूल बनाकर भेजा गया, चाहे उसकी दावत आम हो और दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों पर भी उसका अनुकरण लाजिम हो, जैसा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम आदमियों और जिन्नों बल्कि सारी खल्क की तरफ है, और आप सब के नबी हैं, जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया लेकुना लिलालमीना नजीरा, यानी उतारा कुरान अपने बंदे पर जो सारे जगत को डर सुनाने वाला हो। सूरह फुरकान आयत 1 कि वह उन्हें साफ बताए, और जब उसकी कौम अच्छी तरह समझ ले तो दूसरी कौमों को अनुवाद के जरिए से वो आदेश पहुंचा दिया जाए और उनके मानी समझा दिए जाएं। कुछ मुफस्सिरों ने इस आयत की तफसीर में ये भी फरमाया है कि कौम ही की जमीर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटती है, और मानी ये है कि हमने हर रसूल को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान यानी अरबी में वही फरमाई। ये मानी भी एक रिवायत में आए हैं कि वही हमेशा अरबी जबान में उतरी, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौमों के लिए उनकी जबानों में अनुवाद फरमा दिया। इत्कान हुसैनी। इससे मालूम होता है कि अरबी तमाम जबानों में सबसे अफजल है। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे, और वही इज्जत हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां जैसे लाठी और रोशन हथेली वगैरह साफ चमत्कार लेकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरियों से कुफ्र की निकाल कर ईमान के उजाले में ला और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। कामूस में है कि अय्यामिल्लाह से अल्लाह की नियमतें मुराद हैं। हजरत इब्ने अब्बास व उबई बिन कब व मुजाहिद व कतादा ने भी अय्यामिल्लाह की तफसीर अल्लाह की नियमतें फरमाई। मुकातिल का कौल है कि अय्यामिल्लाह से वो बड़ी बड़ी घटनाएं मुराद हैं जो अल्लाह के हुक्म से घटी। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि अय्यामिल्लाह से वो दिन मुराद हैं जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम किए, जैसे कि बनी इसराइल पर मन्न और सलवा उतारने का दिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बनाने का दिन। खाजिन मदारिक व मुफरदाते रागिब। इन अय्यामिल्लाह में सबसे बड़ी नियमत के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मेराज के दिन हैं। उनकी याद कायम करना भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है। इसी तरह और बुजुर्गों पर जो अल्लाह की नियमतें हुई या जिन दिनों में वो महान घटनाएं पेश आई, जैसा कि 10वीं मुहर्रम को करबला का वाकिया, उनकी यादगारें कायम करना भी अल्लाह के दिनों की याद में शामिल है। कुछ लोग मीलाद शरीफ, मेराज शरीफ और जिक्रे शहादत के दिनों के मखसूस किए जाने में कलाम करते हैं। उन्हें इस आयत से नसीहत पकड़नी चाहिए। बेशक उसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्र करने वाले को। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को यह इरशाद फरमाना अल्लाह के दिनों की याद की तमी है। याद करो अपने ऊपर अल्लाह का एहसान जब उसने तुम्हें फिरौन वालों से निजात दी जो तुमको बुरी मार देते थे, और तुम्हारे बेटों को जिबह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते, और उसमें यानी निजात देने में तुम्हारे रब का बड़ा फजल हुआ। अल्लाह अज्जब जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।